So good morning once again. Today we have to start our new chapter, chapter 13, surface area and volume. This is the only chapter left in the syllabus. And first of all, to start this chapter, you must have learned all the formula which we have done in class 8, right? Chapter 8 ke pehle ye karne ke liye, first of all, please let me know the formula. What is the formula for total surface area of cube? 6a square. Cube kya hota hai, sabko pata. Cube is like a box where all the squares are same. Ye kiski 3D form hoti hai? Square. It is square. The 3D form of a square where you have all the sides equal. ठीक है, आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी सेम होती है. वी आर सीइंग दिस इज ए, राइट? सो छह फेसेस हैं आपके पास एंड ईच फेस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया आपके पास होता है ए स्क्वायर. ठीक है, तो आपके 6 फेसेस हैं, तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a square. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया? 4a square. Yes, it will be 4a square. Lateral means all four sides. ठीक है, चारों तरफ के, चारों boundary, चारों आपकी जो boundary आती हैं, leaving the top and the base. We have the rest of the surfaces, lateral surfaces. तो चार faces हैं, चारों square हैं. Area of each square is a square. So the lateral surface area, चारों तरफ का जो area होगा, वो आपका a square plus पीछे वाला a square plus इस side वाला a square. So total surface area, lateral surface area will be 4a square. What is the difference between a cube and a cuboid? Ma'am, cube ki ma'am sari sides equal hoti hai, ma'am cuboid ki opposite sides equal hoti hai. Yes. So now we are coming on cuboid, where we have 2lb plus bh plus hl. Yes. यहाँ पर आपकी l, b, h अलग अलग हो जाती हैं. क्योंकि ये सारी सेम नहीं रखी है. दिस इज बी, दिस इज एल, या ये एल लिख लो, ये बी लिख लो. ठीक है, एंड दिस इज हाइट. वी हैव 3 डाइमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एंड इफ वी आर सेइंग टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ये सारे रेक्टेंगल्स हैं. इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इसकी ये एल है, ये एच है, तो इस फ्रंट वाले फेस का एरिया हो गया एल एच. ठीक है, अगर फ्रंट वाला एल एच है, पीछे वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो भी आपका एल एच हो गया. सो वी हैव 2h. ठीक है, अब आते हैं साइड वालों के. साइड वालों के लिए मेरे पास ये रेक्टेंगल है. फॉर दिस रेक्टेंगल आई हैव दिस बी एच, बी एच. इस साइड का बी एच है, तो इस साइड का भी क्या हो जाएगा, ये जो लेटरली इस तरफ से नजर आ रही है, this will also be BH, so we have 2BH. तो अगर आपसे 4 sides का पूछते हैं, lateral पूछते हैं, तो सिर्फ आपके ये दो आएंगे. ठीक है, और अगर total पूछते हैं, तो आपका top और base भी multiply हो जाएगा, और top और base भी. आपके पास क्या है? L, B. बोलो, कुछ कह रहे हो हर्ष? यहाँ पर टोटल एरिया बनता है, ये तीनों का प्लस बनेगा, इसमें से आपने 2 ले लिया कॉमन. 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया? 2 एच एल प्लस बी प्लस बी. ठीक है जी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 एच. ये आपने कॉमन ले लिया, उसमें ये नहीं था प्लस बी. 2h आपका कॉमन आ गया, और अंदर रह जाएगा आपके पास l plus b. So your first exercise is based on cube and cuboid. पहले हम वो कर लेते हैं. ठीक है, आपके पास टोटल इस चैप्टर में 8 एक्सरसाइजेस हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज क्यूब क्यूबॉइड. उमंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो वी आर सेइंग इन द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव सरफेस एरिया लेटरल एंड टोटल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. सेकेंड में आपका सिलेंडर आ जाएगा, थर्ड में कोन आ जाएगा, फोर्थ में स्फीयर आ जाएगा. इन चारों के हम पहले सरफेस एरियाज की बात करेंगे, फिर आपके पास यही चारों आएंगे एक एक करके वॉल्यूम के साथ. सो वी विल हैव 8 एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर. ठीक है,
चलिए लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने ये फॉर्मूले यूज करने हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, बस इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है व्हाइल लुकिंग एट द क्वेश्चन. सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप उसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि उसमें आपने लेटरल सरफेस एरिया लगाना है या टोटल सरफेस एरिया लगाना है, या आपने कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक बॉक्स की, ठीक है, एक बॉक्स है जिसको जो ऊपर से अनकवर्ड है, ठीक है, तो उस केस में हमने उसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड यूज किया. सो विच एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दैट केस? लेटरल सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ मैम टोटल सरफेस एरिया माइनस एल इनटू बी. हाँ, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, या तो हम चारों तरफ के एरिया को प्लस करके उसमें नीचे वाला प्लस कर दें, बेस प्लस कर दें, ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं कि हमने पूरा टोटल ले लिया उसमें से कवर नहीं है तो कवर हटा दिया, राइट. सो टोटल सरफेस एरिया माइनस एल बी कर दीजिए या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एल बी कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से जो भी आप करेंगे आपका बिल्कुल ठीक रहेगा. अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, अगर मुझे रूम के अंदर टाइल्स लगवानी है, ठीक है, ऑन द फोर वॉल्स, तो मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा? लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया. और अगर फ्लोर पे भी टाइल्स लगवानी है तो लेटरली होएगा, एरिया ऑफ बेस. टोटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, या ऑफ बेस पर भी आ गई है. और अगर मुझे रूम में पेंट करवाना है ऑल द फोर साइड्स एंड द सीलिंग छत, तो कौन सा एरिया निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया एलबी. एलबी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, और टॉप भी आपका एलबी है, बेस भी आपका एल इनटू बी है. एलबी. तो आपने सिर्फ क्वेश्चंस के सेंस को समझना है, देन यू हैव टू डिसाइड दैट व्हिच फार्मूला विल बी एप्लीकेबल. सो वी आर कमिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. अब आप कैलकुलेशंस के लिए रेडी हो जाओ, जल्दी से मुझे कर करके बताते जाना. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 है आपका, ये आपका इसी तरह का ही क्वेश्चन है जो अभी आपसे पूछा है. The question is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. Deep means height is given, L, B and H. 65 centimeter, 1.5 meter long, 1.25 meter wide. ठीक है, so it is open at the top. ऊपर इसके top से open है, right? So they are saying ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. तो कौन सा एरिया लगेगा? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. हम टोटल सरफेस एरिया ऊपर से बंद नहीं है, ओपन एट द माइनस सरफेस एरिया प्लस बेस. हम टोटल सरफेस एरिया माइनस एल इनटू बी. मैम एल और बी को मैम सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे? हां बिल्कुल करेंगे जी, या तो ये लगाएंगे या फिर आप टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप, सॉरी एरिया ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपका फॉर्मूला सेम ही पड़ेगा चाहे आप कोई भी लगा लीजिए, ठीक है. लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2h इनटू l प्लस b प्लस एरिया ऑफ द बेस इज l मल्टीप्लाई b. मीटर मीटर सेंटीमीटर, सो कन्वर्ट देम आल्सो into centimeters, it will be 150 centimeter multiply by 100 करेंगे, it will be 125 centimeter and this will be 65 centimeters, ठीक है, तो आप लगा दीजिए जल्दी से calculation कर. What happened? क्या हो गया उमंग? Calculation कर रहा हूँ मैम. ओके मैं अभी कैलकुलेशन में आ रहा हूँ. पहले 60 सेंटीमीटर 65 मीटर का करेंगे ना. मैम पैसे आएगा 35,000 35,750. हाँ यही आएगा.
किसका आया ये बेटा? मैम मेरा टोटल सरफेस सरफेस एरिया, ये आपका सारा कैलकुलेशन करके ये आया है? प्लस करो 5.45 मीटर स्क्वायर 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको किसे 2 बार 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5.45 तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 4 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। 5.45000 नॉट 0 0 टू टाइम्स 0 नीचे आपका 2 बार 100 और ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। दैट मींस आपने 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है और 4 डिजिट्स आपकी कहाँ से हो जाती है? 1 2 3 5 सो इट विल बी 5.45000 जब डेसिमल आ गया तो हम लास्ट में नहीं लगाएंगे डेसिमल पे, 00 थोड़ी आएगा। 10.9 आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square costs ₹20, cost of 1 meter square is ₹20. 109. हाँ जी. And we have to find out the total cost. We have 5.45 meter squares. So इसकी cost आपकी कितनी आ जाएगी? 5.45 multiply 20. That is rupees. 109. 109. So we have 2 answers here. एक तो ये और एक ये, ठीक है। 2 parts were there, so we have 2 answers. Similar is the next question. I'm coming to the next. The floor of a rectangular hall has a perimeter. अब आपके पास floor का perimeter given है. What will be the formula for the perimeter of the floor? Floor की shape क्या होगी? 2L + B. हाँ जी, 2L + B. फ्लोर इज ऑफ द शेप ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स डायमेंशंस आर एल एंड बी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B. दिस इज गिवन टू यू हाउ मच? 5 और 4. मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ गई, सेकंड है आपका बेटा, पहले सेकंड कर लो। सेकंड क्वेश्चन इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 and 3 respectively. Length, breadth and height, they are 5, 4, 3 meters. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. अब अपने रूम में वाइट वॉश करानी है ऑल 4 walls एंड द सीलिंग, कौन सा एरिया? क्या कॉस्ट है आपकी? रेट क्या है? 7.50. क्या बता रहे हो कितनी कॉस्ट आई है? 555. We will have to pay 555 rupees for one room. ठीक है, ठीक है, रेट है ना, दिवाली आ गई है, करवा लो सारे अपने अपने घर में। चलिए, next third question. The floor of a rectangular hall has perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls and at the rate of ₹10 per meter square. is ₹15,000. आपके पास पेरीमीटर है
2500 और पेरीमीटर आपको पता है दैट दिस इज 2 इनटू एल प्लस बी 2500 ठीक है तो एल प्लस बी कितना हो गया आपके पास उसको उधर शिफ्ट कर दो बाय 2 20 डिवाइड बाय 2 बाय 2 1250 1250 मीटर ठीक है मीटर या मीटर स्क्वायर मैं मीटर हाँ जी उसके बाद आपकी जो कॉस्ट लग रही है दैट इज रुपीज 15,000 ठीक है और जो रेट है आपका वो है रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर अगर आपके 10 पीस 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं तो 15,000 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लगे होंगे 1500 upon 10 ठीक है अब ये कौन सा एरिया आया है आपने जो व्हाइट वॉश कराया है और व्हाइट वॉश आपने क्या करवाया है क्या पेंट करवाया है आपने बेटा क्वेश्चन में रीड करो वॉल्स वॉल्स सिर्फ वॉल्स पेंट कराई है हमने सीलिंग पेंट नहीं करवाई है दैट मींस आपका ये जो एरिया आया है दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ठीक है ये आपका आया लेटरल सरफेस एरिया नाउ यू हैव लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2h into l plus b 2h into l plus b plus b ये हो गया आपका 1500 बट आपकी l plus b कितनी है 1250 so 2 into h into 1250 is equal to 1500 यहां से h की वैल्यू बता दीजिए मैम 6 मीटर हाँ जी पीछे से देख के बोल रहे हैं ऐसे सिक्स आएगी नहीं अगर मल्टीप्लाई नहीं आएगी बेटा कुछ गड़बड़ करी है नहीं मैम आपने पेरीमीटर में एक्स्ट्रा जीरो लगा दी 250 mm आपने 250 mm लिख दिया पेरीमीटर में ओके दिस इज 250 तो ये 125 है ठीक है तो यहाँ पे आप करो 125 राइट सो ये एच आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा 250 और ये आपका फिर आएगा 6 मीटर ठीक है आपके पास यहाँ से हाइट आ गई है 6 मीटर आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ हाइट ही फाइंड आउट करनी थी फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल ठीक है उमंग देख रहा था कि कहाँ पे गलती पकड़ी जाएगी है इतनी देर से वेट कर रहे थे पहले बता रहे थे मैम पता तो शुरू में ही चल गया था मुझे लगा आपकी बुक के अंदर यही दे रखा है ओके नहीं बता दिया करो ओके फोर्थ क्वेश्चन इज द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर दैट मींस जो आप एरिया टोटल पेंट कर सकते हैं वो है 9.375 मीटर स्क्वायर How many bricks of dimension 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? Exactly the same question was there in your class 8 NCERT. NCERT में था. Same question हमारे पास 8th में भी है. या फिर दूसरी private book थी एक उसमें था. चलिए. The question is total paint है. Total area जो आप paint कर सकते हैं. टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज 9.375 मीटर स्क्वायर ये आपका टोटल एरिया पेंट हो सकता है ठीक है और आपने इस पेंट से पेंट करना क्या है यू हैव टू पेंट द ब्रिक्स और डायमेंशंस हैं जो ब्रिक की दैट इज 22.5 मीटर 10 मीटर एंड 10 centimeter and 7.5. This is L, this is B, and this is H. ठीक जब आप ब्रिक को पेंट करते हैं बेटा जब भी आपने नंबर फाइंड आउट करना है ना कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट होंगी
कितने नंबर ऑफ रूम्स पेंट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉक्स टोटल सरफेस एरिया जा सकते हैं, तो आपने टोटल टोटल एरिया या वॉल्यूम से डिवाइड करना है. अब एरिया करना है या वॉल्यूम करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर आप पेंट करने की बात कर रहे हैं, सरफेस को पेंट कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बस अगर हम ये कहते हैं कि एक ब्रिक में इतना मटेरियल आ जाता है, तो टोटल ब्रिक्स में कितना मटेरियल आएगा, तो उस केस में हम सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, हम उसको अंदर के मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया. मैं कह रही हूँ आप सिर्फ अपने क्वेश्चन में ही नहीं रहेंगे, पहले सुन लो. मैंने ये कहा है कि अगर मुझे ब्रिक बनानी है, एक ब्रिक बनाने के लिए मुझे इतना मटेरियल चाहिए, आपको गिवन है क्वेश्चन में, एक ब्रिक के लिए इतना मटेरियल चाहिए और टोटल मटेरियल मेरे पास इतना है, तो कितनी ब्रिक्स बन सकती हैं, तो किसको किससे डिवाइड करो? इन दैट केस डिवाइड द टोटल वॉल्यूम विद द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. ठीक है, ब्रिक यहाँ से यहाँ पे आपके पास है पेंट. ठीक है, आप टोटल इतना एरिया पेंट कर सकते हो और आपने जो ब्रिक पेंट करनी है उसकी डायमेंशन गिवन है. अब जब हम पेंट कर रहे हैं तो हम ब्रिक की सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, that is why we will have to divide the total area with the area of one brick. ठीक है, तो सिर्फ एक से divide करते हैं आप total को, you get the number. तो यहाँ पर मुझे क्या find out करना पड़ेगा, brick तो हम पूरी paint कर रहे हैं, so we will have to find out the total surface area of one brick. ठीक है, formula for total surface area brick की shape 2 into LB plus BH plus LH. हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 2 into. मैम आपने लेंथ ब्रेथ हाइट को मीटर में कन्वर्ट तो कराई नहीं? मीटर में या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो या उससे सेंटीमीटर में, उसे सेंटीमीटर स्क्वायर उससे आप कर लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 2 22.5 multiply 10 plus 10 multiply 7.5 plus 7.5 multiply 22.5. बताओ जल्दी से एरिया कितना आ रहा है? 935.5 935 upon 1 lakh क्यों आया? मैम ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, मैम पॉइंट हटा के हमने वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 937.5 आ रहा है? यस. अच्छा, इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले. कन्वर्ट करने के लिए 937.50 दो बार आपको 100 लेने पड़ेंगे, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 937.50 सेंटीमीटर square, and now you have to find out the total bricks. 100 total bricks that can be painted is equal to total area hai aapke paas 93750 divided by 937.5. ye decimal hata ke aap upar pahunchayenge to ek aur zero aa jayegi aur aapke paas jo answer aayega that will be 100 bricks. theek hai, so is total paint se हम जो ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं दे आर 100. ठीक है, इसके बाकी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करेंगे. कैन आई टेक योर क्लास इन द इवनिंग टुडे? हम कब लोगे? 4 बजे लेना टाइम. मैम 6:30.